मिथुन राशि वालों के लिए भी ओवरऑल ये समय ठीक ही ठाक गुजरने वाला है। वर्ष की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपको बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे और बहुत लाभ देंगे। प्रेम संबंधों में भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग होगी। वैवाहिक संबंधों में एक ही समस्याओं में भी कमी आएगी। इस बार शनि भाग्य के स्वामी होके ये आपके भाग्य स्थान तथा नौवें स्थान पे ही हैं कुंभ राशि पे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें राहु केतु आपके दसवें और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि आपको शारीरिक रूप से समस्याएं दे सकते हैं और पारिवारिक अशांति का कारण बन सकते हैं। उनके उपाय आप अवश्य करें। सूर्य मंगल की सप्तम भाव में होने की वजह से इस वर्ष आपके वैवाहिक जीवन में आपको बहुत संभल के चलना होगा। कटु वचन से आपको बचना होगा और किसी भी टाइप के व्यर्थ विवादों से बचने की कोशिश करें। आपके यहाँ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। व्यापार में भी उतार चढ़ाव होंगे। बुध शुक्र इस समय छठे भाव में होंगे वर्ष की शुरुआत में, तो आपके खर्चों में तेजी ला सकते हैं, क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि आपके जो है व्यय भाव पे होगी। हो सकता है मार्च से अक्टूबर के बीच में आपको नौकरी में बदलाव की चांसेस हो जाए। विद्यार्थी की शुरुआत में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में केतु पारिवारिक समस्याओं को जहां बढ़ाते हैं, वहीं आपकी पढ़ाई पर भी वो असर डालेंगे। हालांकि जो है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में शुरुआत में है, तो वो आपको, अगर आप ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, थोड़ा विजडम के साथ चलते हैं और बृहस्पति के उपाय करते रहते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। स्वास्थ्य संबंधी अगर आप समस्याओं को देखें, तो ये वर्ष थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है। पेट दर्द, छाती की और संक्रमण जैसी बीमारियों से आपको बचने के लिए फ्रेश फूड्स खाना चाहिए, और आँखों की समस्याएं भी हो सकती हैं। मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होने की चांसेस है। इस वर्ष में देव गुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि होने से आपका प्रेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके प्रेम संबंधों में आप सच्चे और ईमानदार बने रहेंगे। इसके साथ ही आप इस वर्ष लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं अपने प्रेमी के साथ। एक दूसरे का समय बिताना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वर्ष का फरवरी मंथ आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप जो है के शादी के प्रपोजल्स हो सकता है स्वीकार भी हो जाए, और अगर उसके बाद आपके अगस्त के महीने में भी आपके लिए जो है लकी समय होगा। अक्टूबर का महीना भी आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर हम करियर की बातें करें, तो इस वर्ष आपको शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है, बहुत कड़ी मेहनत करनी है। अब मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच में आपको प्रमोशन मिलने की चांसेस बन सकती है। मई के महीने के बाद आपको नौकरी के सिलसिले में दूसरे स्थल पर जाने की चांसेस बन रहे हैं, अर्थात आप किसी दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, या कहीं माइट भी आपको फॉरेन की कोई आपकी ट्रिप लग सकती है। इस वर्ष जो है 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। मई के महीने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएँ, आपके विभाग में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो। मिथुन राशि वालों के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के इस वर्ष बहुत कठिन मेहनत करनी है। बहुत अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नौवें भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा आपके लिए हो सकता है। आप अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं अगर कड़ी मेहनत करते हैं। PhD आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं विदेशों में, तो ये साल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और इस अगस्त और नवंबर के महीने में भी आपको फॉरेन जाने में सफलता मिल सकती है। अगर हम जो है फाइनेंशियली देखें, तो मिथुन राशि वालों के चूँकि एकादश भाव में बृहस्पति शुरू में रहेंगे, तो उनके नवमें शनि की दृष्टि रहेगी, तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग इस वर्ष हो सकते हैं। आपके धन की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इस वर्ष धन कमा सकते हैं।
एक मई को जब बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तब आपके खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे। आपको बृहस्पति के उपाय उस समय अवश्य करने चाहिए और अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको फरवरी से मार्च के बीच में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम लेने से बच के रहना चाहिए। अप्रैल से जून के बीच में आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। अगर पारिवारिक राशि फल की बात देखें तो ओवरऑल ये समय बहुत सारी चुनौतियां लेके आ सकता है। आपके चूँकि केतु चौथे भाव में और राहु दसवें भाव में तो पारिवारिक कलह के चांसेस बनती है। आपको बहुत सधा हुआ सोचा हुआ व्यवहार करना है। आपको जो है किसी भी प्रकार की जो डिबेट है उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच में माइट भी आपके घर में थोड़ी सी जो है शांति आएगी। आपको एकमत्य होम अगर अपने घर में कराते हैं या एकमत्य सूक्त का पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। 23 अप्रैल को जब मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो उस समय आपके अपने माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ओवरऑल आपके संतान के लिए भी यह समय ठीक ठाक है। जनवरी से अप्रैल के अंत तक के दौरान अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है एक अच्छी संतान प्राप्त आपको हो सकती है। इस साल आपके बच्चों को अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे, प्रोग्रेस मिलेगी। जब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश 15 मार्च को होगा तो 15 मार्च से 23 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा मंगल के उपाय करने पड़ेंगे ताकि आपके पुत्र के या संतान के शिक्षा और स्वास्थ्य में उसे उतार चढ़ाव का सामना बहुत कम करना पड़े। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में हो सकता है आपके बच्चों को कुछ शारीरिक समस्याएं आने लग जाएं। इस समय भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 1 जून से 12 जुलाई के बीच के समय में आपको उनके जो है थोड़ा कामिंग होने के लिए उन्हें मेडिटेशन और योगा ज़रूर कराना चाहिए। इस समय में हो सकता है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं। साल अगर आप विवाह के योग हैं तो इस बार आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल और सूर्य के आपके सप्तम भाव में अवश्य हैं वर्ष की शुरुआत में और इसकी वजह से वैवाहिक संबंधों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने की चांसेस हो रही है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट भी हो सकती है। जनवरी के बाद फरवरी के महीने में आपको अपने ससुराल वालों के साथ किसी भी टाइप के वार्तालाप से, किसी भी टाइप के आर्गुमेंट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा जो है डिस्प्यूट की चांसेस हो जाए। आप जो है इन चीज़ों से अगर बचते हैं तो ओवरऑल ये समय आपका ठीक ठाक हो। सूर्य मंगल बुध और शुक्र के प्रभाव से इस साल आपके व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी। किसी भी टाइप के साझेदारी से आप बचे, अदरवाइज आपको धोखा मिलने की चांसेस बढ़ जाएगी। जनवरी से मार्च तक आपको बहुत समझदारी से बहुत फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना है। आपके लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा होंगी। अप्रैल महीने में थोड़ी सी आपकी स्थिति बेटर होगी। सप्तम भाव के स्वामी का वर्ष के शुरू में एकादश भाव में जाना व्यापार में लाभ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति जब द्वादश भाव में चले जाएंगे तो ये दिखाता है कि हो सकता है विदेशी संपर्कों से आपको व्यापार में अच्छी सफलता मिले और हो सकता है आप विदेश यात्रा पर भी जाएं अपने व्यापारिक सिलसिले के लिए। 31 मार्च से 24 अप्रैल का समय आपके लिए लकी साबित हो सकता है। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में लेकिन आपको थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है, कहीं जो है आपके साथ धोखा ना हो जाए या आप किसी कानूनी कार्यवाही में ना फंस जाएं। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस बार थोड़ा सा विचार करने के बाद ही खरीदें, क्योंकि जैसा कि चौथे भाव में केतु है आपके लिए ये फैसला ठीक नहीं होगा। हो सके तो अवॉइड करें, ये साल आप वाहन ना खरीदें क्योंकि वाहन दुर्घटना की चांसेस बढ़ जाती है। अभी अगर आप वाहन खरीद ही रहे हैं तो आपको 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में आप खरीद सकते हैं जब बुध नवम भाव में आएंगे। इस समय के बाद आप 14 जून से 19 जून के बीच में भी खरीद सकते हैं।
10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में भी वाहन प्रणा आपके लिए ठीक रहेगा। संपत्ति के क्रय विक्रय की बात अगर हम करते हैं तो 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में या फिर 19 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर आप नई कोई प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 20 फरवरी से 7 मार्च, 26 मार्च से 9 अप्रैल और 23 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच में आपके लिए खरीदना ऑस्पिशियस हो सकता है। इस वर्ष 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में मंगल अष्टम भाव में है, इसलिए आपको तो जो है हो सकता है कहीं से कोई गुप्त धन या पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सके, लेकिन इस समय आपको कोई निवेश नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। 8 मार्च से 24 अप्रैल और 1 जून से 12 जुलाई का बीच आपके लिए धन प्राप्ति के लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है। अप्रैल से मई के बीच में जब सूर्य आपके एकादश भाव में होंगे तब आपको ये धन और सरकारी क्षेत्र में लाभ प्रदान करेंगे। इस समय आपको किसी के साथ अगर फाइनेंशियल लेन देन कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा कमजोर रहने वाला है, आपको अपने फेफड़ों और छाती के संक्रमण की चांसेस हो सकती है, इससे आपको बचना पड़ेगा। इस साल ठंडे गर्म से आप थोड़ा परहेज करिए। पेट दर्द की भी आपको शिकायत हो सकती है क्योंकि देख सकते हैं राहु केतु चौथे या दसवें भाव को बहुत बुरी तरीके से इस वर्ष प्रभावित करेंगे। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में ऋषि के स्वामी की वक्री अवस्था होने से 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि के स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है, उस समय में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और नवंबर के महीने में आपको पैरों का दर्द या आंखों की समस्या हो सकती है। दिसंबर के महीने में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। इस वर्ष आपको अपने खान पान पर बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। राशि का स्वामी बुध है, ऐसे जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। ऐसे जातकों को इस वर्ष अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। राहु केतु के कुप्रभावों से बचने के लिए आपको अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। किसी भी टाइप की अगर आपको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोन बढ़ रहा है तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, आपके लिए उत्तम साबित होगा। ललिता सहस्त्रनाम की चैंटिंग आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्त दिलाएगी। मिथुन राशि के जातकों को कन्या राशि और मीन राशि के जातकों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, उनके साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तुला और मकर राशि वालों के साथ इनके संबंध अच्छे हो सकते हैं।